Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Tube. Today we are going to talk about military exercise in the Black Sea. The US Navy and the Ukrainian forces are going to conduct a military exercise in Black Sea. So today we are going to talk about the Kala Sagar, yani Black Sea, mein, jo military exercise conduct hone wala hai, US Navy ke dwara, aur dekha hai, to Ukrainian ke forces hai. To uske alawa dekha hai, to NATO ke 30 कंट्री जिसमें जो है अप्रोक्सीमेटली पार्टिसिपेट करने वाले हैं. तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल से, इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में. और देखा जाए तो ब्लैक सी में जो है रशिया का दबदबा रहता है, और 2014 में देखा है तो रशिया ने क्रीमिया को जो अपने हिस्से में मिला लिया था. तो यहाँ पर देखा है तो क्रीमिया अनेक्सेशन का भी जो है एक तरह से यूएस फोर्सेस विरोध कर रहा है, और इसलिए जो है रशिया और यूएस के बीच में यहाँ से आपको एक टसल देखने को मिलेगा ब्लैक सी में. तो चलिए जानते हैं डिटेल से इसके बारे में. अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ आई विल डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल मैप ऑफ द ब्लैक सी. यू कैन सी हियर द ब्लैक सी एंड सराउंडेड कंट्री इज टर्की, जॉर्जिया, रशिया, Ukraine, and the Moldova is also touching the Black Sea, and Romania, and you can see here Bulgaria. तो ये सभी countries हैं जो कि Black Sea को touch करते हैं, और यहाँ पर जो है military exercise होने वाला है US के forces. और देखा जाए तो Ukraine आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, Ukraine के forces यहाँ पे conduct करेंगे military exercise. और सबसे बड़ा portion आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रीमिया जो है 2014 से पहले देखा जाए तो यह यूक्रेन का पार्ट था, और 2014 में जो है ये रशियन फोर्सेस ने यहाँ पर एक तरह से अपने में इसको मिला लिया है. तो यहाँ पर जो है बहुत सारे कंट्रीज का विरोध कर रहे हैं. क्रीमिया जो अभी रशिया के कब्जे में है, और यहाँ पर रशियन मिलिट्री हमेशा तैनात रहती है. तो ब्लैक सी में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो रशिया उसका खुल करके विरोध करता है, और रशिया ने यहाँ पर यूएसए को वार्निंग भी दे दिया है कि आप जो है यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज ना करें. लेकिन यूएसए फिर भी यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑफ एजोब है, और यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैक सी जो कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा से. यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं आपको फिर से मैप यहाँ पे क्रीमिया का. आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड कलर वाला जो है क्रीमिया, जो कि इसको रशिया ने अपने हिस्से में मिला लिया था 2014 में. और यहाँ पर जो है सी ऑफ एजोब है जो कि इस बीच में कनेक्ट करता है, कर्च स्ट्रेट है एक तरह से देखा है तो, जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब को यहाँ से जो है एक पैसेज है जो कि कनेक्ट करता है. उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर बॉस्पोरस स्ट्रेट है जो कि सी ऑफ मरमरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. ये वाला रीजन सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है ब्लैक सी से बॉस्पोरस स्ट्रेट. तो यहाँ से देखा जाए तो मिलिट्री इंटर करते हैं. उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीस, और इधर आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्टेट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कर्च स्ट्रेट जो कि सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, और यहाँ पर मरमरा सी से ब्लैक सी को कनेक्ट करता है बॉस्पोरस स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट. तो चलिए यहाँ पर देखा, और ये क्रीमिया जो रेड कलर में है ये 2014 से जो है रशिया का पार्ट बन गया. उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सारे देश जो इसका विरोध कर रहे हैं. Now you can read here the news. Ukraine and the United States is conducting a military exercise joined by 30 countries in Black Sea and southern Ukraine. Exercise was started despite Russia call to it cancel it. तो यहाँ पर देखें तो यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स जो है मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा. इसके अलावा देखें तो 30 कंट्रीज और भी इसमें ज्वाइन करने वाले हैं. यह ब्लैक सी और सदर्न यूक्रेन यानी यूक्रेन का जो दक्षिण हिस्सा है ब्लैक सी में, वहां पर यह मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, और यहाँ पर जो है रशिया इसका विरोध कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द यूएस नेवी कैप्टन केली गैंट, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन एक्सरसाइज रिफ्लेक्ट शेयर्ड कमिटमेंट टू इंश्योर फ्री एक्सेस टू इंटरनेशनल वाटर. तो यहाँ पर जो है यूएस नेवी के कैप्टन केली गैंट ने बोला है कि यहाँ पर जो है हम इंटरनेशनल वाटर को जो है एक्सेस करने का अधिकार है हमारा. तो वो यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर समझ करके मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा. एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड इन
बैकड्रॉप ऑफ ए राइज टेंशन इन नाटो एंड रशिया। तो यहाँ पर देखें तो नाटो जो है बहुत सारे कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें यूएसए, फ्रांस, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज आपको और यूएसए, कनाडा मिलेगा। और उसके अलावा देखा जाए तो रशिया जो है इसका, रशिया का एक तरह से देखा है तो यहाँ पर प्रतिद्वंदी है। रशिया हैड ए फायर वार्निंग शॉट्स एंड ड्रॉप्ड बॉम्ब इन पाथ ऑफ ब्रिटिश वारशिप टू टर्न इट आउट फ्रॉम ब्लैक सी वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ क्रीमिया। हाउएवर यूनाइटेड किंगडम रिजेक्टेड दिस क्लेम बाय रशिया। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले देखा जाए तो रशियन फोर्सेस ने वार्निंग दिया था ब्रिटिश वारशिप को कि वह ब्लैक सी में जो है अपना नेविगेशन बंद कर दें, और जो लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश के जो शिप थे उन्होंने एक तरह वहाँ पर अपने नेविगेशन जारी ही रखा, और यूनाइटेड किंगडम ने रशिया के द्वारा जो ये बात कहा गया था इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अनदर बोन ऑफ कनेक्शन कंटेंशन इज रशिया एनेक्ट क्रीमिया इन 2014 एंड क्लेम इट एज रशियन टेरिटरी बट क्रीमिया इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज ए पार्ट ऑफ यूक्रेन। तो अभी तक देखा जाए तो 2014 में जो रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था यानी कि अपने हिस्से में मिला लिया था, तो वहां पर जो है अभी रशिया कहता है कि वो हमारी टेरिटरी है बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे कंट्री जो है अभी भी पार्ट सपोर्ट करते हैं कि क्रीमिया जो है यूक्रेन का हिस्सा है। तो यहाँ पर इन सब बातों को लेकर के जो है मुद्दा गरम है ब्लैक सी में। तो नाउ यू कैन सी हियर द बॉस्पोरस स्ट्रेट कनेक्ट विद ब्लैक सी। यहाँ पर बॉस्पोरस स्ट्रेट है और यहाँ पर आपको ब्लैक सी मिलेगा और ये सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा देखा जाए तो ये टर्की वाले रीजन में है और यह बॉस्पोरस स्ट्रेट से कनेक्ट होता है। फिर यहाँ पर आता है डार्डेनेल्स, डार्डेनेल्स स्टेट है जो कि यह मेडिटेरियन सी से कनेक्ट होता है, कौन, सी ऑफ मरमरा। तो यहाँ पर दो स्टेट से होकर के गुजरना पड़ता है अगर आपको ब्लैक सी में जाना है। तो ब्लैक सी में जाने के लिए सबसे पहले आपको डार्डेनेल्स स्टेट, फिर आपको मिलेगा सी ऑफ मरमरा, फिर सी ऑफ मरमरा से बॉस्पोरस स्ट्रेट के थ्रू आप ब्लैक सी में इंटर कर सकते हैं। और ये वाला रीजन जो है ये सब रीजन आपको मिलेगा टर्की का रीजन है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सी ब्रिज 2020-21। दिस एक्सरसाइज स्टार्टेड ऑन जून 28, 2021 एंड विल लास्ट फॉर 2 वीक्स। और ये देखें तो ये 28 जून को स्टार्ट हो जाएगा और 2 सप्ताह तक ये लगातार चलने वाला है मिलिट्री एक्सरसाइज। इट विल इन्वॉल्व सम 32 वारशिप्स एंड 40 एयरक्राफ्ट फ्रॉम यूएस। तो 32 जो है वारशिप जो है वेटल वाले जो शिप होंगे, वारशिप होंगे, और 40 एयरक्राफ्ट यूएस की तरफ से। और नाटो एलाइज एंड यूक्रेन ड्रिल विल विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ 5,000 ट्रूप्स एंड 18 स्पेशल ऑपरेशंस फ्रॉम यूएस साइड। यूएस डिस्ट्रॉयर रॉस हैज अराइव्ड एट यूक्रेनियन पोर्ट ऑफ ओडेसा जो ज्वाइंड द ड्रिल्स। तो यहाँ पर जो है यूएसए की तरफ से जो मिलिट्री के वेपन्स हैं, शिप हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो इसमें जो है यहाँ पर आप हो गए हैं, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा नाटो के जो अलायंस कंट्री है उन्होंने भी देखा जाए तो 5,000 ट्रूप्स उसके भी आए हैं। उसके अलावा जो यूएस का डिस्ट्रॉयर है रॉस वो भी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर भारी भरकम एक तरह से देखा जाए तो मिलिट्री एक्सरसाइज होगा क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल कंट्री सब जो है यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, यूक्रेन, ये सभी यहाँ पर मिलके एक्सरसाइज करें अगेंस्ट रशिया का। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूक्रेन एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड विद द गोल ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस इन ज्वाइंट एक्शन ड्यूरिंग मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस। तो देखा है तो यूक्रेन यहाँ पर कहना है ये एक्सरसाइज जो कंडक्ट कर रहा है वो एक तरह से गेनिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कर रहा है ज्वाइंट एक्शन ड्यूरिंग मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन को लेकर के और भी एक तरह से मल्टी पीस कीपिंग यानी शांति के फैलाने के लिए जो है यह एक्सरसाइज उन्होंने बोला है कर रहा है। यहाँ पर आई होप ये न्यूज आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।